यूथ कांग्रेस का ईंधन दर वृद्धि और महंगाई के खिलाफ मोर्चा, मोदी सरकार के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। पेट्रोल डीजल तुम आगे बढ़ो, मोदी सरकार का करायचं काय, खाली डोका वर दिवाय, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। डीजल पेट्रोल की कीमतों में उछाल और घरेलू गैस की दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए आज यूथ कांग्रेस ने वाशी में मोर्चा निकाला और इसे महंगाई बढ़ाने वाला करार देते हुए मोदी सरकार की नीतियों पर हल्ला बोल किया। यूथ कांग्रेस के नवंबर जिलाध्यक्ष सुविन थॉमस के मार्गदर्शन में वाशी सेक्टर 14 के पेट्रोल पंप पर निकले इस मोर्चे का नेतृत्व उपाध्यक्ष मृणाल मानधने और महासचिव सुदर्शन सावंत ने किया। इसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर थामे हिस्सा लिया। पदाधिकारियों ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को महंगाई बढ़ाने का जरिया बताते हुए इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कीमतें रोल बैक करने की मांग की। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ते इतना जमा झाले आहेत पेट्रोल डीजल एलपीजी चे दरवाढीच्या निषेधार्थ। महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस चे अध्यक्ष श्री सत्यजीत तांबे दादा यांच्या निर्देशानुसार आणि नवी मुंबई यूथ काँग्रेस अध्यक्ष श्री सुबिन थॉमस यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही नवी मुंबई यूथ काँग्रेस इथं LPG पेट्रोल डिझेल दरवाढीच्या निषेधार्थ इथं जमा झालो आहे। आज मोदी सरकारच्या विरोधात आंदोलन अनेक ठिकाणी अनेक प्रकारे अनेक विषयांतर होत आहे, पण तरीही ह्याची दखल मोदी सरकार घ्यायला तयार नाही आहे। हे जे दरवाढी मागे घ्यायला केंद्र सरकार मोदी सरकार तयार नाही आहे। LPG का रेट, गैस सिलेंडर 50 रुपये, फिर 25 रुपये, फिर कल 25 रुपये, 100 रुपये रेट बढ़ गया। इनके गवर्नमेंट का कोई भी आदमी न तो सुनने वाला है और न सुनना चाहता है, और न तो ये हमारे गरीब जनता की और लोगों की न तो ये सुन रहे हैं, न उनकी तकलीफ़ को देख रहे हैं। मनमाने तरीके से रेट बढ़ा रहे हैं और किसी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।